सहारा इंडिया को करना होगा ब्याज सहित जमा राशि का भुगतान। बड़ी अपडेट 30 जुलाई 2021 की, यानी कि आज की लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों ये अपडेट जो आपके लिए हम लेकर आए नई दुनिया वेबसाइट पे है, और छत्तीसगढ़ कांकेर की बड़ी अपडेट। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं US खान और आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ सहारा की एक फिर ताज़ा अपडेट। अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें, ताकि आपको पता चल सके कि कांकेर की जो हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं ये क्या है। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सहारे से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की बड़ी अपडेट। कांकेर परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी जमाकर्ताओं को जमा की गई राशि का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने परिपक्वता की राशि का ब्याज सहित भुगतान किए जाने और परिवादी को क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान करने का आदेश दिया है। जी दोस्तों, ये उपभोक्ता फोरम की तरफ से एक बड़ा आदेश दिया गया है सहारा की ब्रांच को, और शहर के जवाहर वार्ड निवासी पार्वती यादव 45 ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण आयोग कांकेर और अनाआवेदक गण सेक्टर मैनेजर सहारा इंडिया परिवार शाखा कार्यालय मेला भाटा कांकेर रीजनल मैनेजर सहारा इंडिया परिवार राउतपारा जगदलपुर व एरिया मैनेजर सहारा इंडिया परिवार रजबंधा मैदान रायपुर के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसमें परिवादी पार्वती यादव ने बताया कि उसने सहारा इंडिया परिवार शाखा कार्यालय कांकेर में ई साइन योजना के तहत 96 माह की अवधि के लिए 15,000 रुपये दो बार जमा किया था, जिसकी परिपक्वता अवधि 21 मार्च 2020 को पूर्ण होने के बाद भी उन्हें कुल 78,860 यानी के 78,360 रुपये का भुगतान होना था, लेकिन आवेदक गण द्वारा भुगतान न कर सेवा में कमी की गई। प्रकरण में अना आवेदक गणों की ओर से अपना पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण आयोग कांकेर के अध्यक्ष वीके राजा नाग ने आदेश पारित किया है। इसमें आवेदन गण द्वारा परिवादी को 78,360 रुपये की राशि का भुगतान व 22 मार्च 2020 के बाद उक्त राशि के भुगतान तक 9% की दर से ब्याज का भुगतान 1 माह के भीतर करने का आदेश दिया है। अनावेदक गण परिवादी को हुई मानसिक पीड़ा व परेशानी के लिए 6,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी आदेश दिया है। साथ ही अना आवेदक को सर्वे का परिवादी के परिवार व्यय वहन करने का आदेश भी दिया है, यानी कि यहाँ पर परिवादी को परिवाद व्यय वहन करने का भी आदेश दिया है। तो दोस्तों ये इस वक्त उपभोक्ता फोरम पर जो एक बड़ा यहाँ पर फैसला सहारे के निवेशक के लिए आता है, और ये अदालत अपना फैसला यहाँ पर सुनाती है, लेकिन दोस्तों ब्रांचों पर इनके आदेशों का कोई असर नहीं होता। ये इनको भी यानी के इन आदेशों को भी ये कहकर ठुकरा देते हैं कि अभी हमारे पास कोई पैसा नहीं है और हमें सेबी के आदेश के तहत कोई भी पैसा हम नहीं दे सकते, क्योंकि सेबी ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया देनदारी वगैरह वगैरह पर। लेकिन दोस्तों उपभोक्ता फोरम के जितने भी फरमान यहाँ पर सुनाए जाते हैं, उन फरमानों में निवेशकों के हितों में ये फरमान तो सुनाए जाते हैं, लेकिन इनकी अवहेलना अक्सर इनकी ब्रांचों पर देखने को मिलती है, और ऐसे में अदालत से तो इंसाफ मिल जाता है, लेकिन केवल ये इंसाफ एक हवा हवाई बनकर रह जाता है। ना तो निवेशक को पैसा मिल पाता है और ना ही निवेशक को इंसाफ मिल पाता है,
यही वजह बनी हुई है और इस वजह के कारण आज निवेशक बहुत ज़्यादा हताश और डिप्रेशन में है। और दोस्तों ये अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बड़ी अपडेट छत्तीसगढ़ कांकेर की है जो नई दुनिया की वेबसाइट पर हमें मिली थी। अपडेट 30 जुलाई 2021 की, यानी कि ताज़ा आज की अपडेट जो 2 घंटे पहले हमारे पास आई है। तो दोस्तों ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट